जो वहाँ पे हिमपात हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे अपने बच्चों को छोड़ दीजिए पहाड़, आइए शहर में रहिए, सरकार जमीन दे रही है ना घर। किसने कह दिया सरकार जमीन दे रही? मुझे तो अभी पता नहीं, जो सिर्फ के भगत है वो हमारे मोदी जी है, तो वो तो करेंगे इस काम को, भी मानेंगे भी। मोदी जी का विरोध होना चाहिए इस मामले में पूरा, और ये हमारे पहाड़ों को बर्बाद करने की नीति चल रही है। विकास कैसे होगा? ये मोदी जी जो है ये विकास नहीं कर रहे, नाश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जोशी मठ के ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं, ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम योग गुरु जसपाल है। आप लोग विकास विरोधी हैं, वहाँ टनल बन रहा है, बिजली बनेगा, आप लोगों को दिक्कत हो रही है? देखो जी, हम विकास विरोधी नहीं है, हम तो देखो विकास विरोधी नहीं है, जो काम हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जोशीमठ एक गांव है और बद्रीनाथ के नज़दीक है, जो देख रहे हैं, दुनिया देख रही है वहां पे किस तरह से दरारें आ रही है। तो मोदी जी तो 4 लेन बना रहे हैं ना, ताकि आप लोग ज़्यादा माल कमाएं, अरे ज़्यादा पर्यटक आए। माल किसके लिए कमाएं? जब वहाँ के गाँव रहेंगे, वहाँ के लोग रहेंगे, तो तभी तो होगा उसका काम, मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा? आप प्रभु रक्षा करेंगे, भगवान शिव हैं वहाँ? नहीं, भगवान शिव तो है, शिव तो ठीक है। उनकी मर्जी से मोदी जी ये सब कर रहे हैं? नहीं, उनकी मर्जी से सब हो रहा है। साल में 2 बार जाते हैं वहाँ? हाँ, वो जाते हैं, पर एक्चुअल में जो है, जो जोशीमठ का है ना, उस गांव को उस तरह से जैसे वो कार्य हो रहा है कि मैंने जैसे दरारी आ रही है, वो टनल जो NTPC काम कर रही है उसको थोड़ा रोका जाए। तो एक गांव के लिए पूरा विकास रुकवा दीजिएगा देश का? कौन सा विकास रुक जाएगा उसका गांव से? टनल बंद हो जाएगा। जोशीमठ के अलावा तो और भी काम हो रहे हैं, टीरी में भी हो रहा, पौड़ी में भी, और जगह जगह हो रहे हैं काम। कोई जरूरी है कि वो से जोशीमठ से ही हो रहा काम? और भी तो विकास विरोधी है? नहीं, हम विकास विरोधी नहीं, हम विकास विरोधी नहीं है, हम उसके सरकार के सरकार, हमने यदि हम विकास विरोधी होते तो वहाँ बीजेपी सरकार नहीं होती, फिर यदि बाइदू वहाँ नहीं होती सरकार भी, जो उत्तराखंड में बीजेपी की। क्या क्या प्रोजेक्ट आप क्या बन रहा है? थर्मल पावर और थर्मल पावर, मेरी तो अभी मेरे जानकारी में थर्मल पावर NTPC का जो काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जो है जोशीमठ के, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये है 4 लेन है जी? 4 लेन भी तो हो रहा है ना? हाँ, 4 लेन, और जो ट्रेन का काम है वो भी चल रहा है। तो क्या हो रहा है, आप लोग के घर घर टूट रहा है? उसमें घरों में दरार आ रही है, लोग वहाँ से, देखा आपने, देखा हो दिसंबर और जनवरी में क्या हालत थी, बहुत ठंड होने के बाद, और आप जाते पहाड़ों की क्या ठंड होती है, जो वहाँ पे हिमपात हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे अपने बच्चों को? छोड़ दीजिए पहाड़, आइए शहर में रहिए, सरकार जमीन दे रही है ना घर। किसने कह दिया सरकार जमीन दे रही? मुझे तो अभी पता नहीं, हमें तो पता नहीं कि कहाँ सरकार जगह। आप लोगों को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं? अभी किसी को तो मिला नहीं अभी तक, आप दिखा दीजिए कहाँ करोड़ों रुपए मिले हुए, कहीं नहीं मिला अभी। ऐसे सब घोषणा करने में और ये क्रियात्मक करने में डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है जी, इसमें बहुत फर्क है। बीजेपी की सरकार है, आपको तो भरोसा कीजिए। नहीं, भरोसा तो किया है, तो भरोसा करके तो हमने सरकार बनाई ना, उसमें आप तो बताइए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार के कोई खिलाफ नहीं, हम सरकार से, आप बता रहे कि हमारे जो है उस जगह को थोड़ा रोका जाए, उसमें ये कर रहे हैं, हम कोई उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं आपको। मैं यदि कभी मैं आपके घर पे आऊँगा, प्यार से बताऊंगा, तो भी बात है, अपनी बात रखने का हक भी तो है हमारे को, प्यार से बदबू से। सरकार नहीं मानेगी तो विकास तो होना चाहिए। मानेगी क्यों नहीं, हमें तो क्या है कि जरूर मानेंगे, जब वो हमारे जो सिर्फ के भगत हैं, वो हमारे मोदी जी है, तो वो तो करेंगे इस काम को, भी मानेंगे भी, समझेंगे। मोदी जी तो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हाँ, तो प्रोजेक्ट तो जब प्रोजेक्ट आए तो रुकवाने काम भी वही करेंगे, ये बात होनी, यही तभी इसलिए आए यहाँ। तो विकास रुक जाएगा ना? विकास कोई नहीं रुकेगा, विकास का काम होगा, पर उन लोगों को एक जो जगह है विदेश के विकास के लिए, आप लोग एक जोशीमठ नहीं छोड़ सकते? कैसे छोड़ सकते हैं? आप अपना घर छोड़ सकते हैं? आप कोई लोग अपना घर छोड़ सकते हैं? देश के लिए तो हम प्राण, हम लोग तो दधीची के वंशज हैं, विकास के लिए तो हम लोग शरीर छोड़ देंगे। अरे, करने में बहुत फर्क है महाराज, ये तो कुछ कहने की, हम लोग दधीची के वंशज हैं, हड्डी दान कर देंगे। अरे, ऐसे कुछ नहीं, मैं इस पर बचाव नहीं करूँ, धन्यवाद। लोग मोदी जी के प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे हैं। नहीं, हम कोई बाधा नहीं डाले सब, अब मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, बस हो गया, बात नहीं करेंगे, बस हो गया, बस क्या कहना चाह। आप बताइए। मेरा नाम हरीश कुलवे है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आज सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जोशीमठ के नाम पे, क्यों जोशीमठ हमारा ज्योतिर्मठ है, शंकराचार्य जी ने उसको बसाया था उस, मतलब मोदी जी भी तो आप ही का विकास करने के लिए टनल बनवा रहे हैं ना, 4 लेन बनवा रहे हैं। मोदी जी का विरोध होना चाहिए इस मामले में पूरा। क्यों विरोध होना चाहिए? नहीं, ये विकास हो रहा है ना उत्तराखंड करने की जो नीति चल रही है, ये चाहे मोदी जी करे कुछ, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों क्यों? आज जोशीमठ, कल को नैनीताल, परसों को मसूरी,
और ये हमारे पहाड़ों को बर्बाद करने की नीति चल रही है। विकास कैसे होगा? नहीं, विकास नहीं होगा। टनल खोद के विकास होगा, टनल खोद के तो सत्यानाश होगा। तो आदिवासियों के जंगल काट दिया गया, खनन हो रहा है, वहाँ विकास हो रहा है। आपका पहाड़ बचा रहना चाहिए। जो जोशीमठ जो सुरंग जारी है, जो वो रेल मार्ग जो बन रहा है, वो किसका उसका फायदा किसको मिलेगा? रोहिंग्यों को और नाइजीरिया वाले वहाँ जाके बसेंगे, और आपके ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो बसेंगे वहाँ। हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान बसेंगे। हम रेल रोड नहीं चाहते हैं। पहाड़ में तो छेद होना ही नहीं चाहिए, कहीं ऊपर करो जो भी करना है, नीचे तो कुछ होना नहीं चाहिए। ये मोदी जी जो है ये विकास नहीं कर रहे, नाश कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? साक्ष्य कह रहा हूँ मैं। महीने में दो बार, साल में दो बार आपके यहाँ जाते हैं वो? हाँ जाते हैं ना, नाव टंकी करते हैं, वोट के लिए जाना पड़ता है, सभी नेता जाते हैं। अरे रोड बनेगा, टनल बनेगा, एनटीपीसी बनेगी, तभी तो विकास होगा। आप क्या, आप इस मीडिया के अलावा अपने आत्मा आदमी से बोलो कि टनल बनेगा, ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा, पहाड़ गिरेगा, गांव गिर रहे हैं। और मैं राष्ट्रीय मीडिया का विरोध करता हूं, खंडन करता हूं कि जब जोशीमठ में जमीन धसी, उसके तुरंत चार पांच दिन बाद टेहरी में जमीन धसी, और मीडिया वाला तो कह रहा है आप लोग विकास विरोधी हैं। मीडिया ने जो है नहीं बोला कि वहां भी जमीन धसी है, पूरा उत्तराखंड धसेगा। अभी तो जोशीमठ ही देखा है सरकार ने, अभी काली नदी का प्रकोप नहीं देखा, अलकनंदा का प्रकोप नहीं देखा, और भागीरथी गंगा का प्रकोप नहीं देखा। जब ये मोदी जी ना, सब जाएगा। मोदी जी साक्षात प्रभु के अवतार हैं, वो कभी गलत फैसला नहीं लेते। भ्रम क्यों कर रहे हो, क्यों अंधभक्त बन रहे हो? मोदी जी अच्छे इंसान है, अच्छे पटल पे लाया भारत को, अपने आप को हाईलाइट किया, अच्छा किया, संघ को अच्छा प्रचार किया, संघ को बहुत उठा दिया, अच्छी बात है। मोदी जी अच्छे, हम ये भी कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के होकर आप लोग मोदी जी का विरोध? सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, ये मोदी और बीजेपी सरकार का सवाल नहीं है, प्राचीन 47 से उत्तराखंड के खिलाफ जो सरकार की नीति है वो खराब है। मोदी जी की बात मत कीजिए, सरकार की बात कीजिए। 47 से उत्तर पहले टेहरी डैम बना, उसका विरोध हुआ, कितना उसमें नुकसान हुआ भारत सरकार का, बना तो बना क्योंकि वहाँ की जनता धार्मिक आस्था से रहती है, सीधी सादी है। तो विकास नहीं चाहते आप? विकास का कोई सिद्धांत होना चाहिए। विकास जो है नर बलि के ऊपर नहीं चाहिए ना, विकास जो है किस पे चाहिए? तो आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, जंगल काटा जाता है, तब तो आप लोग नहीं बोलते हैं। आदिवासी जब अपने पर पड़ आया तो आप लोग बोल रहे हैं। आदिवासी के लिए क्यों नहीं बोले? यहाँ पर शामिल होते हैं आदिवासी, वहाँ के वो बोलेंगे, वहाँ की आवाज उठाएंगे, उनका समर्थन करेंगे हम। जहाँ पर किसी के हक छीना जा रहा है, या तो पहले मानव को खत्म कर दो, या तो पहले उत्तराखंड में जितने जीव हैं, जानवर हैं, पशु हैं, उनको खत्म कर दो, और तब वहाँ पर यह विकास करो। किसके लिए? पर्यावरण के लिए, विश्व के लिए, विश्व को बिजली देने के लिए। टेहरी डैम बना, किस रॉयल्टी उत्तराखंड को नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। अब यह डैम बन रहे जगह जगह, तो पर्यटन बढ़ेगा, फोर लेन सड़क बनेगी, आप लोगों को फायदा होगा। पर्यटन के लिए पनबिजली योजना है ना, कई योजनाएं हो रही है, अलग 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 मकान भी तो मिल रहा है, पैसा भी तो मिल रहा है आप लोगों को? कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। वो जब तक उसकी पुनर्वास नीति नहीं होगी, टेहरी डैम बना था, उसकी पुनर्वास नीति भी सही नहीं हुई, उसके सीबीआई में केस अभी तक चले हुए हैं। टेहरी डैम कब का बना हुआ है, उसमें इतना घपला है अभी भी। और ये तो क्या, इसके नाम पे अभी कई और जो है नीचे से जाएंगे, वो पैदा उठेंगे जब पुनर्वास नीति उनके मिलेगी। सरकार की जोशीमठ के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए अच्छी नीति, पुनर्वास नीति अभी से प्लान करना। वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वो तो अच्छा ही कर रही है। सरकार बीजेपी का नहीं, सरकार का सवाल नहीं, बीजेपी पार्टी का सवाल नहीं, सरकार की बात करो, पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ 47 से ही उत्तराखंड की जो है अपेक्षा हुई है बहुत ज़्यादा, उसका मतलब बिल्कुल कोई मदद उत्तराखंड की नहीं हो रही है। आपने यहाँ पर मीडिया यहाँ पर बोल रहे हैं, वहाँ जाके देखें, अभी भी इलाका बहुत चीज वंचित है। तो सोचिए, पहली बार इस देश के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो प्राकृतिक डेवलपमेंट के नाम पर चपेट में आए हैं, और अब वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मीडिया भी दिखा रही है। आप कल्पना कीजिए, इस देश में जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, किसी ने बात तक नहीं की, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब विकास का जो असली साइड इफेक्ट है वो जोशीमठ तक पहुंचा है, तो लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अंदाज़ा लगा, मैंने बहुत पहले कहा था हिमाचल चुनाव के समय कि किस तरह से हिमाचल और उत्तराखंड में, चूँकि ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं ज़्यादा, वो उसको बचाए रखना चाहते हैं, वो पर्यावरण के लिहाज से अच्छा रहे, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर फैक्ट्रियाँ ना लगे, थोड़ा बहुत टूरिज्म हो। लेकिन यही लोग जब आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की ज़मीन छीनी जाती है विकास के नाम पर, तब इन्हीं के बच्चे, यही लोग टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी में बैठे हुए हैं, वहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं। सोचिएगा ज़रूर, कैसे इस देश के
एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासियों को नक्सली कह दिया जाता है, विकास विरोधी कह दिया जाता है, और अब जब पहाड़ों में फोर लेन सड़कें बन रही है, एनटीपीसी बन रही है, तो ये लोग उसके प्राकृतिक चपेट में आ रहे हैं, आपदा के चपेट में आ रहे हैं, और ये अब उस विकास को बंद करवाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो आपको विकास दिखता है वो किसी के विनाश के कीमत पर आता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बस फर्क इतना है कि दलित पिछड़े आदिवासी की कोई आवाज़ नहीं उठाता, ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं तो इनकी आवाज़ पूरे देश, पूरी दुनिया और मीडिया में गूंज रही है। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।